पिता है तो बच्चों को इंतजार है, पिता है तो बच्चों को इंतजार है कि पिता से ही ढेर सारे सपने होते हैं और पिता से ही बाजार के सब खिलौने अपने होते हैं। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है, प्रार्थना की थोड़ा थोड़ा आगे हो जाएं बैठने के लिए पीछे स्थान, क्योंकि भाटिया परिवार का करनाल से भी कई आए हैं, दिल्ली फरीदाबाद से भी कई आए हैं, बॉम्बे से भी कई आए हैं। मैं देख रहा हूं कि शहर का कोई भी सामाजिक राजनीतिक ना अधिकारी ना नेता ना ही कोई प्रतिनिधि ऐसा होगा जो आज यहाँ ना पहुंचा हो। सुकृपा थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए और बैठने के लिए पीछे स्थान। अखंड मंडेना
तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रः सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमः। जय भगति सदा सत्संग एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुनियाद तुलसी संगत साध की कटे कोटि कोटि अपराध जुड़ा हुआ है। बड़े पुण्य उदय से हमें ये मानव जीवन मिलता है और सार्थक करने के लिए मिलता है, लेकिन उस पुण्य के साथ साथ जो अशुभ कर्म जुड़े होते हैं वो भी साथ साथ चलते हैं और उसी के चलते हुए इतनी छोटी सी आयु में वो हमारा हंसता मुस्कुराता चेहरा और युवक दिव्य ज्योति के रूप में आज प्रकट होकर परमात्मा के चरणों में सदा के लिए तल्लीन हो गया। आज क्या बीत रही है भाटिया साहब पर, जिनके दो जो आश्रय देने वाले खंभे हैं उनमें से एक चला गया। राम और लक्ष्मण की जोड़ी जो दोनों भाइयों ने लुधियाना में एक सिद्ध करके दिखाई, आज वो जोड़ा हंसों का बिछुड़ गया, आज विषाद लगे का रह गया। आज मेरी पुत्री सब क्योंकि त्याजी मेरी सहपाठी है और हमारी बेटी को ऐसा असहनीय जो आघात लगा है कि हर पल हर दुख सुख में साथ देने वाला जीवन साथी छूट गया। कि धर्म के प्रति उसका कितना सद्भाव था, हिंदू हो सिख हो ईसाई हो जैन हो बुद्ध हो संप्रदाय में वो सभी धर्मों के प्रति समर्पित था। उल्लेख के रूप में एक छोटी सी घटना आपके सम्मुख रखना चाहता हूं, शायद वो मेरे समाज को तो पता है लेकिन आप लोगों को नहीं पता होगी। चौड़ा बाजार में हमारा एक जैन मंदिर है बहुत प्राचीन जो 150 वर्ष पुराना है। समाज ने निर्णय लिया कि उसको नया बनाना है। कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि सीमित समय में वो कार्य पूरा करना था। हमारे आदरणीय अध्यक्ष भाव कश्मीरी लाल जी ने अपनी सोच से ये कोई भी दुख दर्द बांटने के लिए आगे नहीं आता, लेकिन मेरे इस युग ने तो अपना जीवन नौछावर कर दिया। कोई दीन हो कोई दुखी हो कोई धर्म हो कोई समाज हो कोई ऐसा क्षेत्र हो गौ सेवा हो और हमारा जो आखिरी स्थान है जिसे हम शमशान कहते हैं उस भूमि को भी सींचने वाले हमारे भाटिया साहब जी को इतनी जल्दी अपने पुत्र को वहां अर्पित करना पड़ेगा ऐसा आभास किसी ने नहीं किया था। कि जैसे अपना ही भाई संसार छोड़ गया, क्योंकि भाई के लिए भाई का चले जाना, बहन के लिए भाई का चले जाना, अभी राखी का वो त्योहार निकल के गया है और वो बहन ने राखी बांधी लंबी आयु की कामना की।
की, लेकिन उस कुदरत की गोद में तो कुछ पा रहे थे। उस विधाता की करनी में, उस विधाता की लिखनी में तो कुछ और ही था। वो कामनाएं भी सारी धरी की धरी रह गई। क्या कहता है कवि, सयोनी कोई मोड़ लिया, सयोनी कोई मोड़ लिया, साधु रुस गया साटा वीर जी, सयोनी कोई से मौत बंट गई। हाथ जोड़ दिए उस देवी ने कि हे ब्रह्मा, मैं ये कर्म नहीं कर सकती, मैं मौत नहीं बांट सकती, आप मुझे इस कर्म को ना दो। ब्रह्मा ने कहा कि मैंने जिसको जो कर्म सौंप दिया उसे वो कर्म अवश्य करना पड़ता है। कहा कि जब मैं मौत बांटने जाऊंगी परिवार वाले रोएंगे, और उनकी आंखों में भी आंसू थे। उस कर्म करवाने वाले आचार्य के भी आंखों में आंसू है। वो ऐसा जीव चला गया, क्योंकि हमारे आदरणीय मेहरचंद जी भाटिया सबके साथ ही प्रेम, सबके साथ ही सहयोग, आ गए ये परिवार भी हर एक के सुख दुख में खड़ा। लेकिन जीव एक चला जाता है, कितने स्थान शून्य हो गए। पिता के लिए पुत्र का चले जाना, भाई विशाल जी के लिए भाई का चले जाना, भाभी पूजा के लिए भाई का चले जाना, बहन मीनू के लिए भाई का चले जाना, गुलशन जी के लिए, बगीचों के लिए ताया जी का चले जाना, मयंक भाटिया, जय भाटिया। और 1997 में एक पिता ने गोली चढ़ा करके बना है, लेकिन विडंबना देखिए कि दोनों ही पिता खड़े हैं और वो पुत्र काठ की घोड़ी चढ़ा हुआ है, लकड़ी की घोड़ी चढ़ा हुआ है। सालों से मिलाने वाला जुदाइयां आज पा गया, सालों से मिलाने वाला जुदाइयां पिता जैसा प्यार, पिता जैसा दुलार कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि पिता है तो बच्चों को इंतजार है, पिता है तो बच्चों को इंतजार है कि पिता से ही ढेर सारे सपने होते हैं और पिता से ही बाजार के सब खिलौने अपने होते हैं। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है, ताए भी कर दे है ना प्यार, ताए भी कर दे जिना कर दिया बाप दर्द बाकी है। सुनो मैं आज सुनावा, बाप दर्द बाकी है, सुनो मैं आज सुनावा।
हर दुख सहंदे लाज खवावन बच्चिया नू पावे आप भूखे रहंदे तिया ते पुत्रा दा बन के तिया ते पुत्रा दा बन के रहंदे ने परछावां बाप दा रुतबा वी है सुनो मैं आज सुनावा सुनो मैं आज सुनावा इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम क्योंकि जीवन मरण मनुष्य का सब दाता तेरे हाथ प्यारी आत्मा को शरण में ना हो किसी के भी पुत्र की तस्वीर में हार न चढ़े हो क्योंकि पिता के लिए पुत्र का चले जाना माँ के लिए पुत्र का चले जाना भाई के लिए भाई का चले जाना शब्द सदा ही कम पड़ जाते हैं और मैं समझता था कि माँ भी है क्या नहीं भाई बहुत मुश्किल है उस दुख से निकलना हम कह देते हैं कि परमात्मा दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे लेकिन शक्तियां सोहे परम पिता परमात्मा पावन पवित्र चरणों में यही प्रार्थना कि हमारे भाई विक्रम को अपने ही चरणों में स्थान देना अब हमारे सभी से प्रार्थना की थोड़ा थोड़ा आगे हो जाएं बैठने के लिए पीछे स्थान क्योंकि भाटिया परिवार का करनाल से भी कई आए हैं दिल्ली फरीदाबाद से भी कई आए हैं बॉम्बे से भी कई आए हैं मैं देख रहा हूं कि शहर का कोई भी सामाजिक राजनीतिक ना अधिकारी ना नेता ना ही कोई प्रतिनिधि ऐसा होगा जो आज यहाँ ना पहुंचा हो सुकृपा थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए और बैठने के लिए पीछे स्थान बेली बेली हर
कोई नहीं बनता जदो चंगी जान लगे श्वास श्वास हरि नाम भज वृथा श्वास मत खोय ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय श्री गरुड़ महाराज की जय। मृत्यु अटल है ये हम सब जानते हैं पर कोई की मृत्यु बहुत ही दुखदायी हो जैसे हमारे भैया स्वर्गीय श्री विक्रम भाटिया जी 45-47 साल की आयु में चले जाना पत्नी और पुत्री को वियोग दे के जाना। भाई तो कहता है कि मेरी बाह चली गई क्योंकि भाई भाई की बाह होती है बाजू होता है सहारा होता है। बुआ जी कह रहे थे विक्की विशाल की जोड़ी टूट गई ये जोड़ी जो टूटी है बहुत ही दुख देने वाली। धर्म पत्नी प्रथम भाटिया जी को बहुत दुख है उनकी पुत्री कन्नू का विषाद। भाई विशाल जी बहने मीनू गुलशन सभी परिवार लेकिन सबसे अधिक दुख किसको है ये जुबान से कहना मुश्किल है। बहने रो रही हैं पत्नी रो रही है बुआ रो रही है भाई भी रो रहे हैं पर जो रो नहीं रहा तो बैठा है कुर्सी पर आराम से। उनके अंदर से देखो कितनी पीड़ा उठ रही है वो है उनके पिता श्री मेहरचंद जी भाटिया। जब उनकी मृत्यु हुई विक्रम जी के घर में गया तो मुझे श्री मेहरचंद भाटिया ने एक बात कही कि मुझे अपने मुकद्दर में बड़ा मान था कि मुझे अपनी किस्मत में बड़ा मान था कि मेरे बच्चे बहुत लायक हैं मेरे बच्चे खुशहाल हैं लेकिन पता नहीं मेरी किस्मत को क्या हो। उन्होंने कहा कि मेरा लख्त जिगर वो मुझे छोड़ के चला गया। आइए दिवंगत आत्मा को सदगति मिले इसलिए सभी ने प्रेम से प्रभु का गुणगान करना है। श्री राम जय राम जय जय राम कह दो श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम कह दो श्री राम जय राम जय हिली ना हिली है तो
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम दुर्लभ सद ग्रंथ निगा ये मनुष्य जन्म बड़े भाग्य से होता है। करोड़ों जन्मों के पुण्य जब इकट्ठे होते हैं तब सुंदर मनुष्य का शरीर मिलता है। मनुष्य के शरीर के साथ धनवान होना, विद्वान होना, बलवान होना, ये और भी करोड़ों पुण्य जब इकट्ठे होते हैं तब धार्मिक प्रवृत्ति धर्म कर्म करने में रुचि होगी। जैसे हमारे भैया विक्रम भाटिया जी, जिन्होंने धर्म के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, दीन दुखियों की सेवा में बहुत ही समय और धन लगाया, वो जीव धन्य है। संसार में बसो पर संसार में फंसना नहीं चाहिए। जो इस संसार में आकर के किसी का भला करते हैं उन्हीं का जीवन से इंसान वही बड़ भागी। कौन बड़ भागी? इंसान वही बड़ भागी जिसकी विरति जग में रहकर, जिसकी विरति जग में रहकर जगदीश्वर से लागी भागी। जिसकी विरति जग में रहकर, जिसकी विरति जग में रहकर इंसान वही बड़ भागी। उसे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। देखो इतना साथ है जाए चारे धोनी नरमाए पर मन को इतना साधे जागते व सोए एक पल भी न खोए बस राधे शाम है राधे। ऐसे ग्रस्ती को ही समझो ऐसे ग्रस्ती साल वही बढ़ पाई जिसकी विरति जग में रहकर, जिसकी विरति जग में रहकर जगदीश्वर से लागी इंसान वही बढ़ा। उसके क्या निशानियां हैं? वाणी से जो सच बोले तोला रती मोरा तोले धर्म तराजू लेके। वाणी से जो सच बोले तोला रती मोरा तोले धर्म तराजू लेके। चाहे हो अमीर पर कंगले फकीर को भी अपने जैसा देखे। दूर रहे उसे कहो वैरागी इंसान वही बढ़ भागी, इंसान वही बढ़ भागी जिसकी विरति जग में रहकर, जिसकी विरति जग में रहकर जगदीश्वर से लागी इंसान वही बढ़ पाती इंसान वही बढ़ पाती। कहन देवता
सती अपना लखा पुत्र जन्मन गे पर मुड़ के विक्रम जिहा नहीं जपना, नहीं जान सकता ऐसा बेटा। प्यारा लख देगी कर हम सफर साथिया, पिता कहता मेरा लखते जिगर चला गया, पत्नी कहती मेरा जीवन साथी चला गया, भाई कहता मेरा हम सफर चला गया, एक मनुष्य के जाने से कितने रिश्ते खत्म हो जाते। प्यारा लख देगी कर हम सफर साथिया, मौत चंद्री लुट लिया विक्रम भागिया, प्यारा लख देगी कर हम सफर साथिया, प्यारा लख देगी कर हम सफर साथिया, मौत चंद्री लुट लिया भाटिया, प्यारा लख देगी कर हम सफर साथिया, प्यारा लख देगी कर हम सफर साथिया, मौत चंद्री लुट लिया विक्रम भाटिया, प्यारा लख देगी कर हम सफर साथिया। कैसा फाड़ा भरते लुधियाना, भरते फाड़ा लुधियाना बीच सफर साथिया, प्यारा लख देगी कर हम सफर साथिया, मौत चंद्री ने लुट लिया विक्रम भाटिया, मौत चंद्री ने लुट लिया विक्रम भाटिया, प्यारा लख देगी कर हम सफर साथिया। खबरें तेरे जन्म माता फल साथ मिलया,
करते जिगर हम सफर साथिया प्यारा लखते जिगर हम सफर साथिया मौत चंदनी लुट लिया मौत चंदनी लुट लिया विक्रम भाटिया प्यारा लखते जिगर ममता में भाग्यशाली धार्मिक और व्यक्ति लेकिन उनके किए हुए शुभ कर्म उनकी यादें उनका एहसास हमेशा हमारे पास रहेगा। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा गई हुई दुर्गा दात्मा को अपने चरणों में स्थान दे। समय की धारा बढ़ रही है तो मैं प्रार्थना कर समर्पित करेंगे और विश्राम करेंगे। पिछले आठ घंटे से मैं सुन रहा हूं वो दास्तान बयान कर रहा है हमारे लुधियाना के उस नूर की उस नक्शे जिगर की जो परिवार का ही नहीं अब तो सारे लुधियाना का सभी समाजों का प्राण प्रिय साथी था। सही कहा चंद्री मौत ने लुट लिया विक्रम पाटिया। आज यहां पर उपस्थित और यहां पर नहीं भी उपस्थित या चले गए हैं एक एक आदमी एक एक आत्मा ऐसा संकुचित कर दिया और आज उस प्रतिभा को ऐसा शून्य कर दिया कि जिसको कोई भी सहन कर नहीं पा रहा है। मौत अंकुश इतनी छोटी उम्र में लगेगा कोई सोच भी नहीं सकता कोई आभास भी नहीं कर सकता कोई इसके बारे में ध्यान भी नहीं कर सकता। ये सब जुड़ा हुआ है बड़े पुण्य उदय से हमें ये मानव जीवन मिलता है और सार्थक करने के लिए मिलता है लेकिन उस पुण्य के साथ साथ जो अशुभ कर्म जुड़े होते हैं वो भी साथ साथ चलते हैं और उसी के चलते हुए इतनी छोटी सी आयु में वो हमारा हंसता मुस्कुराता चेहरा और युवक दिव्य ज्योति के रूप में आज प्रकट होकर परमात्मा के चरणों में सदा के लिए तल्लीन हो गया। आज क्या बीत रही है भाटिया साहब तक जिनके दो जो आश्रय देने वाले खंभे हैं उनमें से एक चला गया। राम और लक्ष्मण की जोड़ी जो दोनों भाइयों ने लुधियाना में एक सिद्ध करके दिखाई आज वो जोड़ा हंसों का बिछुड़ गया आज विशाल तके का रह गया। आज मेरी पुत्री सब क्योंकि त्याजी मेरी सहपाठी है और हमारी बेटी को ऐसा असहनीय जो आघात लगा है
कि हर पल हर दुख सुख में साथ देने वाला जीवन साथी छूट गया और वो अब की कलियां बेटियां जिनको नाज था अपने दादा पर अपने पिता पर और उनकी हर इच्छा पूर्ण करने में सदा वो तत्पर रहते थे, आज उनमें से पिता के रूप में साया उनके सिर से फूट गया। बखान नहीं कर सकता कोई भी, एक एक भाई यहां पर जो बैठा है निश्चित रूप में अपनी आत्मा से कह रहा है कि ऐसा दुख ऐसा आघात ऐसा वज्रपात किसी को भी अशुभ कर्मों के रूप में प्राप्त ना हो। और यही प्रार्थना है कि जितना आघात हमारे भाटिया जी को लगा है परमात्मा इनको अनन्य 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 शक्ति प्रदान करे कि उसको सहन करते हुए ये पट वृक्ष की भांति अपने परिवार को छाया देते रहे और जो बच्चे हैं उनको सफल बताते हुए। और बात करूं ये सबको आश्रय देने वाला हम लोगों के वो मकान बना गया लेकिन आज स्वयं आश्रय रहित हो गया, उसके पास कोई संसार में ठिकाना नहीं रहा, वो ज्योति को समाते हुए हमसे छुट गया। लेकिन जो हमें दे गया है वो अनुमोदनीय अनुसरणीय और अनुकरणीय है। इतनी छोटी आयु में इतने अच्छे कर्म कर लेना ये हमारी उसके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी अगर हम उसको याद करें। प्राय यौवन अवस्था में कोई भी युवा किसी प्रकार का कोई भी धार्मिक कोई भी पुण्य कोई भी दुख दर्द बांटने के लिए आगे नहीं आता, लेकिन मेरे इस युग ने तो अपना जीवन नौछावर कर दिया। कोई दीन हो कोई दुखी हो कोई धर्म हो कोई समाज हो कोई ऐसा क्षेत्र हो गौ सेवा हो और हमारा जो आखिरी स्थान है जिसे हम शमशान कहते हैं उस भूमि को भी सींचने वाले हमारे भाटिया साहब जी को इतनी जल्दी अपने पुत्र को वहां अर्पित करना पड़ेगा ऐसा आभास किसी ने नहीं किया था। एक बात शेयर करना चाहता हूं, समय दो मिनट जरूर लूंगा लेकिन उसके विशाल हृदय की मैं बात आपको बताना चाहता हूं कि धर्म के प्रति उसका कितना सद्भाव था। हिंदू हो सिख हो ईसाई हो जैन हो बुद्ध हो संप्रदाय में वो सभी धर्मों के प्रति समर्पित था। उल्लेख के रूप में एक छोटी सी घटना आपके सामने रखना चाहता हूं, शायद वो मेरे समाज को तो पता है लेकिन आप लोगों को नहीं पता होगी। चौड़ा बाजार में हमारा एक जैन मंदिर है बहुत प्राचीन जो 150 वर्ष पुराना है। समाज ने निर्णय लिया कि उसको नया बनाना है। कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि सीमित समय में वो कार्य पूरा करना था। हमारे आदरणीय अध्यक्ष भानु कश्मीरी लाल जी ने अपनी सोच से ये परखा कि एक ही लुधियाना में ऐसा युवक है जो वायदे के अनुसार सीमित समय में ये काम कर सकता है। तो आमंत्रित किया गया विक्रम जी को और उसे कहा गया कि ये धर्म का काम है ये समाज का काम है। तो उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य कि आपने मुझे बुलाया है और मैं पूर्ण करूंगा। समय दिया गया 3 महीने के आपने इस निर्माण कार्य को पूरा करना है। तो आपने कहा कि प्रभु की कृपा रही अवश्य पूर्ण होगा और वो कार्य 2 महीने में पूर्ण करके दिखाया मेरे विक्रम भाटिया ने। ऐसी मिसाल आपको नहीं मिलेगी और इसके साथ जो और बात जुड़ी हुई है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। इनका व्यवसाय है बिल्डिंग बनाना निर्माण करना निर्माण कार्य करना। उसी अनुरूप
मेरे उस बच्चे ने हाथ में लिया, निर्माण पूरा हो गया। उनको कहा गया कि अपना हिसाब कर लो। रास्ते में तो कहते तो अध्यक्ष महोदय ने कहा चलो आप अनुमान से ही बतला दो कि आपके चरणों में क्या भेंट करें। तो उन्होंने कहा कि जैन साहेब आपने मेरी परमात्मा के चरणों में उपस्थिति दर्ज करवा दी, इससे बड़ी भेंट मेरे के लिए क्या हो सकती है। तो मैंने कुछ नहीं लेना है, और मेरा था वो नहीं था, जो कुछ था उस परमात्मा का था, उसके चरणों को मैंने अर्पित कर दिया। है कोई ऐसा उदाहरण हमारे लुधियाना में कि इतना विशाल हृदय निर्माण करने वाला एक निर्माणकर्ता हो? शायद आप मिसाल लेकर भी ढूंढेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आज हम सभी का मीन है, और चेहरा मेरे भैया का हमारे सामने आ रहा है कि अगर ऐसी क्रूरता ऐसे होनहार युवक पर, ऐसे धर्म के कार्य करने वाले युवक पर इतनी छोटी आयु में आनी है तो हमें संभलना होगा, हमें उससे प्रेरणा लेनी होगी कि हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसा कर जाएं कि मात्र उससे ग्रहण करते हुए कोई अच्छा कार्य कर जाए। और अगर हम में से बैठे सभी महानुभाव सभी पवित्र आत्माएं इसकी अर्जुन गेट करनाल डॉक्टर ओपी मिगलानी जी कुंजपुरा रोड करनाल, करनाल प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन करनाल, सनातन धर्म मंदिर कुंज रोड करनाल। अब देखिए हरियाणा से जो मेरा भाई के अगर ऐसे भाव आ रहे हैं तो लुधियाना की क्या स्थिति होगी। एक एक संस्था जो जुड़ी हुई है, समस्त भाटिया बरादरी और हमारे समाज की जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं उनकी ओर से श्रद्धा के भाव, भारतीय मुल्तानी परिमंडल महासभा करनाल, प्रताप पब्लिक स्कूल, प्रताप पब्लिक स्कूल पानीपत, प्रताप पब्लिक स्कूल चुंडला करनाल, अजय भाटिया जी प्रेसिडेंट प्रताप पब्लिक स्कूल करनाल, डॉक्टर रघुवीर सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन बीपीओ चुंडला करनाल, लुधियाना स्टॉक एंड कैपिटल लिमिटेड, नव दुर्गा मंदिर ट्रस्ट सराबा नगर, श्री ज्ञान स्थल मंदिर सभा, श्री संकट मोचन बालाजी सेवा परिवार, भाटिया सभा लुधियाना रजिस्टर्ड, बाल गोपाल गौशाला नजदीक हार्डीवर्ड, श्री हरिहर आस्था सेवा परिवार किचनू नगर, लुधियाना सिटीजन काउंसिल, लोधी क्लब लुधियाना, लुधियाना आड़तिया एसोसिएशन, प्रताप कॉलेज ऑफ एजुकेशन, चैकले स्टेट प्राइवेट लिमिटेड, आरएस चौधरी प्रताप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट सोसाइटी, प्रताप पब्लिक स्कूल करनाल और भी बहुत सारी संस्थाओं के मन से और दिल से भाव आए हैं, उन सब की ओर से उनको श्रद्धा के पात्र करते हुए हम उस प्यारी आत्मा के चरणों में श्रद्धा के पुष्प बड़े बड़े मन से व्यक्त करते हुए परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गरुड़ प्राण वशेष हो गए, ये गरुड़ प्राण धन का मोक्ष प्रदान करने वाला दुख का नाश है। गरुड़ प्राण पुण्य पवित्र है, पापों का नाश करता है तथा सुनने वालों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसलिए मृत्यु उपरांत मृतक आत्मा की शांति निमित्त अवश्य सुनना चाहिए। ब्राह्मण विद्या प्राप्त करता है, क्षत्रिय को भूमि मिलती है, वैश्य धन पाता है और शूद्र पापों से मुक्त हो जाता है। गरुड़ प्राण सुनकर कथा कहने वाले ब्राह्मण को सभी प्रकार के शैया आदि दान दे, नहीं देने पर सुनना सफल नहीं होता। पहले गरुड़ प्राण की पूजा करें, वस्त्र गहना आभूषण गौदान दक्षिणा से आदर के साथ कथा बांटने वाले की पूजा करें। बहुत पुण्य फल प्राप्ति के लिए अन्नदान
स्वर्ण दान भूमि दान करके भक्ति पूर्वक कथा सुनने वाले की पूजा करके उसको संतुष्ट कर। भगवान कहते कथा बांटने वाला प्रसन्न हो जाए तो मैं भी संतुष्ट हो जाता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुभज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरि विष्णुरराक्रमसि विष्णु शनपदेस्तु विष्णु सयोरसि विष्णु भूभौमसि वैष्णवसि विष्णुवे त्वः। आइए गरुड़ प्राण जी का पूजन हुआ श्रद्धा सहित, इसकी पूर्णा होती हुई अब आरती होगी। आरती के साथ दर्शन पगड़ी और शांति पाठ। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे नौ के संकट दास जनों के अवर गुण क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यान करण पड़ो मैं किसके तुम बिनिहार न दूजा स्वामी बिनिहार न कोई आस करो मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म जगदीश्वर प्रभु सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूर्ख खलगामी मैं सेवक प्रभु स्वामी कृपा करो वरदा। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलो दया में किस विध मिलो कृपा में तुमको मैं